पूछा नहीं किसने मुझे वोट दिया, कौन मेरे साथ रहा, कौन मेरे साथ नहीं रहा। मैं केवल ये पूछती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब जब से मैं आई हूँ, दो किस्म के काम हुए। एक तो है बड़े काम, जिनको बड़े सौगात बोलते हैं। आपके गादीपुर में मैंने नवोदय विद्यालय लगाया, ITI लगाया है, फायर ब्रिगेड लगाया है। अभी पिछली दफा मैं आई थी तो हम लोगों ने बस अड्डा को शुरू करवाया है। आपके 700 गांव में ट्रांसफार्मर बदल करके जो 16 केवीए के थे उनको बना दिए 25 केवीए, किसी को बना दिया 63 केवीए। और जब भी ट्रांसफार्मर फूकता है, अगर आप मुझे फोन करते हैं तो हम उसको एकदम बदलवाते हैं। आपकी मुद्रा योजना में से एक बंदे को भी नहीं मिला था लोन, अभी 12,000 लोगों को लोन मिल चुका है। आपके किसान सम्मान निधि आहिस्ते से चल रही है क्योंकि कंप्यूटर में लगाने में बहुत दिन लगे, लेकिन आ तो रही है। और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है उनको मालूम है, मुझसे बात करो। बिजली वालों का, हमने जहां भी बिजली का लोग शिकायत करते हैं कि ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, वहां हम कैंप लगा करके उसी वक्त उसी हफ्ते में समाधान करवाते हैं। आपके कोविड के जो टीके लगने थे, अकेला सुल्तानपुर था जहां 64 कैंप रोज लग रहे थे, 64 गांव में रोज लग रहे थे टीकाकरण के लिए। बात सही है कि नहीं सही है? मैं आपके यहाँ दोस्तपुर में जो CHC था वो बिल्कुल काम नहीं करता था, वहां बार बार मैं खुद गई और उसको ठीक करवा करके आई। यहाँ कोविड के समय में यहाँ ही नहीं, आपके लोग फंसे हुए थे, कोई पंजाब में था, कोई सूरत में था, कोई गुजरात में था, कोई बंबई में था, सबका ख्याल मैंने रखा और सबको सही सलामत वापस लाई। और आते ही उनको राशन भी दिया, खाने को दिया, सब कुछ दिया। बात सही है कि नहीं सही है? इसलिए क्योंकि मैं माँ, मेरे लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं, कोई चीज छोटी नहीं। आप मुझे बता आपका दुख क्या है और मैं उस दुख को दूर करने की कोशिश करती हूँ। अभी हम लोग बैठे थे गाड़ी में तो एक आदमी ने फोन किया, मैं जानती भी नहीं कौन है क्योंकि मैं कोई यहाँ मेरा रिश्तेदार तो लगता नहीं। उसने फोन किया कि माँ मैं कादीपुर से गया हूँ, मेरा बेटा जेल में और वहाँ जेलर जो है वो कह रहा है कि मेरे पास वो कोविड का 3 दिन वाला टीका नहीं है, मेरे पास 1 दिन वाला टीका है। की बात करती हूँ, मेरा मतलब है कि पूरा क्षेत्र, ये कुछ कुछ चीज है। उसके अलावा सड़कें दोस्तपुर से कादीपुर की सड़क बन गई, यहाँ अभी कौन सी है कादीपुर से अखंड नगर 50 करोड़ रुपए के कादीपुर से अखंड नगर। फिर 700 गांव में हमने ट्रांसफार्मर बदले हैं और जहाँ लाइनें झरझर थी वहाँ कोशिश की है कि एक एक को बदले। जो जब मैं आई थी तो 16 KVA के ट्रक दिए हैं कादीपुर में, जो इससे पहले कभी थे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नवोदय विद्यालय, जिसमें आपके बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम मिलेगी एक दफ़ा वो बन जाए। अभी उसका टेंडर निकला है, करीबन 1 साल लगेगा उसको बनाने में और उसके बाद कादीपुर के बच्चों को फायदा होगा। कौरौंदी का नाम कादीपुर, एक ही चीज़ मैं मानती हूँ। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लगाए वो है फायर ब्रिगेड, यानी कि जहाँ आग लगती है वहाँ कोई आता नहीं था आग बुझाने के लिए, गांव को आग लगती है। अब हम लोगों ने कई लाख रुपए में शुरू किया है एक फायर ब्रिगेड कादीपुर में, आप फोन करो तो वो गाड़ी आएगी आग बुझाने के लिए। तीसरी चीज जो उन्होंने लगाया वो है ITI, जो जिसमें से हमारे नौजवान पढ़ करके नौकरी पा सकते हैं। फिर अभी बस अड्डा शुरू करवाया है कई लाख के लिए, ताकि बसें वहाँ रुक जाए, 3 दिन के लिए रहती हूँ और सुबह 7 बजे लोग आते हैं और 7 बजे से 10 बजे तक 200-300 लोगों का काम हाथों हाथ होता है। SHO से बात करके, लेखपाल से, प्रधान से, अन्य, लेकिन ये काम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ गांव में। अब आपके 1100 गांव हैं जिनमें से लगभग 800 मैं जा चुकी हूँ। और क्यों जाती हूँ? मैं उन गांव में जाती हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है,
क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आपके पास आ जाऊँ। और आपके पास क्यों आ जाऊँ? कि अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत करना हो, कोई बताना हो जो आप मुझे नहीं बता पाते हैं, तो आप मुझे बताएं। अब जैसे कि अभी हम एक गांव में थे जहां दो प्रधानों ने दो अलग पंचायत घर बनाए और दोनों आधे अधूरे। अब हम गाड़ी में इसका समाधान सोच रहे थे कि एक को पंचायत घर बनाया जाए, दूसरे को हम बारात घर बनाया जाए। तो उसका समाधान अब मैं करके छोड़ूंगी, लेकिन इससे पहले तो मुझे मालूम नहीं था। तो अब कोई आएगा कहने के लिए बने, सदस्य भाजपा में बनना आसान है। मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, आप उसको लिखिए, मतलब आप उसका मोबाइल में डायल कर लो, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। 7505403403। मैं एक दफा और बता दूं, अब मैं आप पूछेंगे इसलिए बता रही नंबर, अगर मैं नंबर बता दूं तो बस आप डायल करके आप फिर उसको बंद कर दें। वो दफ्तर की तरफ से आपको एक इतला भेज देंगे, एक नंबर भेज देंगे कि ये हमारे आप सदस्य बन गए, बस खत्म हो गई बात। कल ये सदस्यता आपके काम में आएगी। ये नंबर है 7505403403। हमारी कोशिश ये है कि सदस्य बने, एक ऐसे पार्टी के परिवार में आ जाए जो पार्टी सेवा के लिए निकली है। अब मैं और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी।